दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन पर क्लिक करें और बेल का आइकन ऑन करें ताकि जो भी वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हाय दोस्तों, रामगढ़ टेक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए पंचायत सचिव झारखंड में जो हो रहे एग्जाम, पंचायत सचिव का दूसरा क्वेश्चन पेपर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आ चुका है। पहला एग्जाम जो हुआ था 21 जनवरी 2018 को और दूसरा एग्जाम जो कि आज 28 फरवरी 2018 को हो चुका है। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों आपको यहाँ पे पंचायत सचिव 28 जनवरी 2018 में जो एग्जाम लिया गया उसका क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा। जो लोग 4 फरवरी 2018 को एग्जाम लिखने वाले हैं उनके लिए खुशखबरी है, वो लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको यहां पे पता चल जाएगा कौन कौन सा क्वेश्चन आया है और आप अच्छी सी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शाकिब और आप देख रहे हैं रामगढ़ टैक। तो दोस्तों यहां आप देख सकते हैं पंचायत सचिव का जो क्वेश्चन है वो आ चुका है दोस्तों, आज ही एग्जाम हुआ है और मैं आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं दोस्तों। तो मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, ये पेपर वन है दोस्तों, उसके बाद यहां पे देखिए पेपर थ्री मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, पेपर टू भी है दोस्तों। जो लैंग्वेज पेपर है वो उर्दू का लैंग्वेज पेपर है दोस्तों, तो वो मेरे पास अभी नहीं है, किसी फ्रेंड ने वो ले गया है मेरे पास से मांग के। तो मैं आपको जरूर उसका लिंक दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं और ये सब का भी मैं लिंक दे दूंगा दोस्तों, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं दोस्तों। यहां पे देख सकते हैं दोस्तों इसका बुकलेट नंबर जो बताया जा रहा है डी है दोस्तों, और यहां पे देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन बुकलेट नंबर प्रश्न पत्र पुस्तिका यहां पे लिखा हुआ है, पेपर वन है दोस्तों, जो कि लगभग 7-8 बजे से इसका पहला पाली स्टार्ट हुआ था, दूसरा पाली लगभग 10 बजे के आसपास और तीसरा पाली लगभग 2 बजे के आसपास हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इसका क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे देख सकते हैं लैंग्वेज पेपर है, यहाँ पे इंग्लिश का लैंग्वेज पेपर बताया जा रहा है दोस्तों। इसमें ढेर सारी क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाई जा रही है दोस्तों, जो लगभग क्वेश्चन यहाँ पे जो निकल कर आती है दोस्तों वो टोटल यहाँ पे 120 निकल के आती है, जिसमें यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों हिंदी से भी रिलेटेड है यहाँ पे क्वेश्चन, आप देख सकते हैं सारा क्वेश्चन यहाँ पे दिखाया जा रही है दोस्तों। उसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं सारी हिंदी से रिलेटेड है दोस्तों, उसके अलावा यहाँ पे समानार्थी शब्द वगैरह यहाँ पे दी गई है दोस्तों, विशेषण में बदलिए ग्रामर दी गई है दोस्तों, उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं गदांश जो है दी गई है, लगभग 100 अंक की दोस्तों, उसको पढ़कर आपको यहाँ पे इसका आंसर खोजना है और ये जो ऑप्शन बनाई गई है उसमें से आपको यहाँ पे आंसर सेलेक्ट करना है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते और भी यहाँ पे गदांश दी गई है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये भी गदांश दी गई है, इसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन दी गई है, लगभग हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दी गई है, इसमें आपको आंसर खोजकर यहाँ पे आपको इसका आंसर लिखना होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ आप देख सकते सर्वनाम के प्रकार लिखिए बताया जा रहा है दोस्तों, लगभग यहाँ पे हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन ली गई है दोस्तों, आप देख सकते विशेषण में बदलिए शुद्धि कीजिए, ये सब सारे क्वेश्चन दी गई है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं भाववाचक संज्ञा के रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए, उसके बाद यहाँ पे देख सकते शुद्धि कीजिए, समास विग्रह कीजिए, समानार्थी शब्द लिखिए, न्यायाधीश संधि विच्छेद कीजिए, ये सब क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे सरल वाक्य में बदलिए, ये जो है गलत लिखा हुआ आपको सही बनाने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते एक शब्द में लिखिए, ये सब जो क्वेश्चन निकल कर आई दोस्तों वो यहाँ पे दिखाई जा रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं, आप यहाँ देखिए 75 नंबर में विलोम शब्द लिखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दी गई है आपको, इसमें से आंसर बताना है दोस्तों। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ हिंदी भाषा लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ पे देखिए शुद्ध कीजिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, वह कमर कसा बैठा है, इसका जो सही क्या होगा वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके बनाना है दोस्तों, सबको एक समान देखने वाला एक शब्द में इसका पूछा जा रहा है दोस्तों आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टिक मारा गया है, कोई कोई किसी किसी में टिक मारा गया है, और सरल वाक्य में बदलिए, ये सब सारे
निकल कर आते हैं दोस्तों, जो चार ऑप्शन दी गई है और इसमें समास विग्रह कीजिए ये शब्द निकल के आते हैं। उसके बाद सर्वनाम के प्रकार यहाँ पे निकल के आते हैं। तो ये लगभग इंग्लिश और हिंदी के साथ यहाँ पे मिलकर आते हैं दोस्तों। यहाँ लगभग 120 क्वेश्चन पहली पाली में दी गई थी। उसके बाद देख सकते हैं हिंदी सॉरी इंग्लिश में भी पैराग्राफ बनाई गई है दोस्तों, जिसमें आपको आंसर्स खोज के यहाँ पे आपको लिखना होगा दोस्तों। यहाँ पे चार ऑप्शन बनाए गए हैं हर क्वेश्चन के, आपको यहाँ पे पढ़कर समझना होगा दोस्तों और आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो ये सब क्वेश्चंस यहाँ पे निकल कर आते हैं दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे और भी पैराग्राफ यहाँ पे दी गई है। तो आपको सारा यहाँ पे पढ़कर आपको इसका आंसर खोज के आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है, जो कि चार ऑप्शन दी गई है इस हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्शन लिया जाएगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश ग्रामर से भी यहाँ पे क्वेश्चन कुछ कुछ यहाँ पे दी गई है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे शुद्धि करने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा वर्ड सेलेक्ट होगा, ही अनसुअल ट्रेवल टू मुंबई, खाली जगह ट्रेन लिखा हुआ जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है, इसमें सही आंसर होगा वो क्या होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 29 नंबर में लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म फ्रॉम ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, मनी वाज गिव टू डिसाइड ऑन द मैटर। तो आपको ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट करना है, आपको चार ऑप्शन दी गई है दोस्तों, यहाँ से आपको सिलेक्शन करके आपको यहाँ पे सेंटेंस जो है कंप्लीट करना होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ भी देख सकते हैं 31 नंबर में भी जो दी गई है दोस्तों, चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ऑफ द ऑप्शनल गिवन बिलो एडेप्टेबल। तो इसका भी आपको सिलेक्शन यहाँ पे करना है, इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो यहाँ पे लगभग इसके 40 क्वेश्चन निकल कर आते हैं दोस्तों ग्रामर से, जो कि यहाँ पे मिलाकर बताई गई है दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज की बताई गई है। चलिए अब हम आपको बुकलेट नंबर 3 आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखिए बुकलेट नंबर 3 हमारा जो क्वेश्चन है तीसरा पाली का क्वेश्चन, वो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों। पेपर नंबर यहाँ 3 लिखा हुआ दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन बुकलेट कोड यहाँ पे D है इसका दोस्तों। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, यहाँ पे गलत तरीका सही तरीका किस तरह से आपको आंसर देना है दोस्तों। ये इसका फ्रंट पेज है, चलिए हम इसका आपको हम पेज खोल के दिखाते हैं किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चंस निकल कर आते हैं वो झारखंड से रिलेटेड नजर आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है दोस्तों। ये सब क्वेश्चंस निकल कर आते हैं यहाँ पे, ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स API 2017 में भारत का स्थान क्या है, ये सब क्वेश्चंस यहाँ पे निकल के आते हैं। ब्रांड नाम मोमेंट झारखंड के नाम से, मोमेंटम झारखंड के नाम से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2017 कहाँ हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन निकल कर आते हैं जो हमारे आसपास के क्षेत्र के बताए जाते हैं दोस्तों। और भी यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आपको वह राज्य है जिसका कर्क रेखा से गुजरती। तो बताया जा रहा है कि कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा से गुजरती है, वो यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे तो मैं तो इसका आंसर बताऊंगा झारखंड, लगभग झारखंड ही है जो कर्क रेखा से गुजरती है दोस्तों। और भी क्वेश्चन यहाँ पे निकल कर आते दोस्तों, यहाँ पे देखिए देख सकते यहाँ पे साई किरण जिन्होंने पृथ्वी से चंद्रमा तक एलिवेटर का प्रस्ताव करने के लिए नासा का मून प्राइज जीता था, उनका संबंध भारत में से किस राज्य से है। तो इसका क्वेश्चन का आप देख सकते हैं दोस्तों चार ऑप्शन बताया गया, कर्नाटक केरल आंध्र प्रदेश तेलंगाना। तो यहाँ पे आप अपना सिलेक्शन कर सकते हैं दोस्तों, ये सब सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, लगभग ये कंप्यूटर से रिलेटेड है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर से जुड़े हुए यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं दोस्तों। किसी वेबसाइट में प्राय आप जो फर्स्ट पेज देखते हैं उसे क्या कहा जाता है, होम पेज, फास्टर पेज, स्टार्ट पेज, मास्टर पेज। तो देख सकते हैं आपसे यहाँ पे
जो क्वेश्चन करा जा रहा है वो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस है दोस्तों। सोन नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, ये सब भी यहाँ पे सम्मिलित है दोस्तों। देखिए अब यहाँ पे जो क्वेश्चन निकल के आता है वो कंप्यूटर से जुड़े हैं दोस्तों, देख सकते हैं शॉर्टकट की वगैरह के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ, कौन सा फंक्शन की उपयोग एक कंप्यूटर को सीधे सेफ मोड में बूट करने हेतु किया जाता है। तो आप देख सकते हैं F5, F2, F8, F3 बताया जा रहा है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर से है और उसके साथ जनरल नॉलेज लगभग झारखंड और कुछ कुछ बाहर से भी यहाँ पे क्वेश्चन निकल कर आते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ आप आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का लोक नृत्य कर्मा है। तो यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पे पूछी गई है दोस्तों। तो आप देख सकते लगभग मुझे तो लगता है यहाँ पे झारखंड और केवल झारखंड ही मुझे लगता है कि कर्मा का जो नृत्य होता है वो झारखंड ही मुझे लगता है केवल। शायद आपको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन मुझे तो झारखंड ही लगता है। तो ये सब क्वेश्चन जो है झारखंड से निकल कर आते हैं दोस्तों, झारखंड राज्य से निकल कर आते हैं। उसके बाद पंजाब हरियाणा से भी रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बताई गई है दोस्तों, जो कि हमारे इतिहास से जुड़े हुए हैं दोस्तों। उसके बाद और भी क्वेश्चन है दोस्तों जो कि झारखंड से। तो दोस्तों आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया हूँ कि जो भी क्वेश्चन है वो लगभग आ चुके हैं दोस्तों। तो अगर आपका 4 फरवरी को यानी अगले रविवार को एग्जाम है तो आप जरूर से मेरे इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। डाउनलोड करने के लिए आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां पे मैं तीनों पेपर का लिंक दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके आप इस क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों और अपनी तैयारी में अच्छे से आप तैयार हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है दोस्तों खत्म हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत यूजफुल रहा होगा, आपके लिए बहुत ही यूजफुल मिला होगा दोस्तों, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए मेहमान है तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं रोजाना एक ऐसी ही जॉब की और बहुत सारी वीडियो अपलोड करता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा दोस्तों अपना, टेक केयर, बाय।